मौसम देखकर ही केदारनाथ यात्रा पर आए यात्री। यह अपील प्रशासन द्वारा यात्रियों से की जा रही है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ यात्रा पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। ये दिन बरसात के हैं। लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा केदारनाथ आने वाले यात्रियों से अपील की जा रही है कि मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा पर आएं। आए दिन लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। रविवार को केदारनाथ के पैदल रास्ते में पहाड़ी से बड़े बोल्डर गिर गए, जिस वजह से मौके पर 3 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं लगातार बारिश से केदारनाथ हाईवे पर भी भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। इन दिनों बाबा केदार के भक्त भी केदारनाथ दर्शन के लिए आ रहे हैं। सावन के पावन महीने में हर किसी की इच्छा है कि वो बाबा केदार के दर्शन करे, लेकिन मौसम रोड़ा बना हुआ है। फिर भी कुछ भक्त इन चुनौतियों के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे में केदारनाथ के SDM ने कहा कि धाम पहुंचने वाले यात्री मौसम को देखकर ही यात्रा करें। पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे के कई स्थानों पर बारिश के दौरान भूस्खलन होने की संभावनाएं हैं। श्री केदारनाथ धाम यात्रा करने वाले सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन यह अपील करती है कि जब भी यात्रा करें तो पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से, तहसील प्रशासन से, मौसम विभाग से अपडेट ले लें, क्योंकि जो है सावन का मास चल रहा है, भारी बारिश हो रही है, जगह जगह पैदल रास्ते में पत्थर गिर रहे हैं, इसलिए जो है उनके सुरक्षा करना अति आवश्यक है। और यात्रा मार्ग में चीरवासा हेलीपैड, गौरीकुंड और उसके आगे लिंचोली के पास पत्थर आने की संभावना रहती है। साथ ही साथ जो है NH 107 पर फाटा में डोलिया देवी मंदिर के पास, वहाँ पर भी जो है पत्थर गिरता है, इसलिए जो है संभल कर यात्रा करें। और रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन से भी संपर्क बनाए रखें और अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से ही जो है इन रास्तों को पार करें, उनके संरक्षण में इन रास्तों को पार करें, जिससे जो है कोई आकस्मिक घटना ना हो। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। ऐसे में भगवान शिव के भक्त भी अपनी आस्था का परिचय देने बाबा केदार के धाम पहुंचते हैं, लेकिन सावन के इस महीने में बारिश की बड़ी चुनौती होती है और इस बार की बारिश लगातार तबाही मचा रही है। लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, पत्थर पहाड़ी से लगातार गिर रही हैं। खासकर गौरीकुंड रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे पर फाटा के पास तो पत्थर गिरने का खतरा बना होता है। ऐसे हालातों में यात्रा करना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा है, लेकिन भक्तों की अनोखी आस्था को देखकर प्रशासन को यात्रियों से अपील करनी पड़ रही है कि मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा पर आएं। फिलहाल केदारनाथ यात्रा बारिश की वजह से धीमी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।